अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस वर्ल्डली लाइफ के अंदर आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ये 15 डेज़ का जो ब्यूटीफुल सा टाइम हम सबके लिए आ रहा है, जिसे हम श्राद्ध मानते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं, इसको हमें एनकैश करना चाहिए। किस तरीके से हम सारी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं एंसेस्टर्स की, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती है तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें हमें कामयाबी ना मिले। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर पितृदोष क्या होता है, कैसे पता चले कि उसके लक्षण क्या है, क्या आपको भी पितृदोष है या सिर्फ कुंडली में लिखने से ही पितृदोष होता है। साथ में ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ये मान्यता है कि हमें कौवे को, कुत्ते को, या चींटियों को, या गाय को, या ब्राह्मण्स को हमें क्यों खाना खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे क्यों मान्यता है, इसके बारे में भी मैं आपको लॉजिकली उसके रीजन्स बताने की कोशिश करने वाली हूँ। कुछ वेरी सिंपल ब्यूटीफुल से रेमेडीज़, अगर आप इसमें से एक भी कर लेते हैं रेमेडी, तो यकीन मानिए आपको वो सक्सेस, वो कामयाबी जूस जिसकी आपको डिज़ायर है, जिसके लिए आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि पाना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके लाइफ में आ सकता है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पितृदोष का कैसे पता लगाएं। क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के बताने से, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो है वो पितृदोष है, ये बताने से ही आपको पता लगता है? नहीं, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको पितृदोष चल रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स ऑल्दो उनके लाइफ में, उनके आसपास उनको दिखाई देते हैं, वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनको आखिर करना क्या है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके लाइफ में हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी पूरी संभावना है कि आपको पितृदोष है। सबसे पहले बात, घर में आपस में बहुत ज़्यादा कलेश होना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना, प्यार, इज्जत, मान सम्मान की कमी होना, घर में आपस में परिवार के लोगों के अंदर ही, रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपनी कलीग से आपको मान सम्मान, इज्जत नहीं मिलना, इसका मतलब आपको पितृदोष हो सकता है। जब सारा परिवार मिलके बाहर जाता है तो बहुत खुश रहते हैं, जैसे ही घर वापस आते हैं वैसे ही फिर से कलेश बढ़ जाना, इसका मतलब आपको पितृदोष है। कोई भी ऑस्पिशियस ओकेशन, आपने कोई हवन रखा, कीर्तन रखा, या दिवाली है, होली है, रात्रि है, इस टाइम पे आपके घर में अचानक से कलेश बढ़ते जाना, तो इसका मतलब पितृदोष आपको है। दूसरी बात, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, वहाँ पे कुछ दिनों तक मुनाफा होता है, बहुत मेहनत करने के बाद फिर आप पीछे चले जाते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, आपको बिजनेस चेंज करते रहना पड़ता है, आपकी जॉब आपको चेंज करना पड़ता है, प्रमोशन चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, घर लेना चाहते हैं घर नहीं मिल पा रहा, अपना घर नहीं बन पा रहा, आप अपने परिवार, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते हैं, घर में शादी करवाना चाहते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, बेटे की, बेटी की, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही, बच्चों का पढ़ाई नहीं करना, बिजनेस में ध्यान नहीं देना, शादी नहीं करूँगा ऐसे कहना, ये सारे भी पितृदोष की निशानी है। अगर आप इन सारे सिम्टम्स, ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसी बहुत सारी जो भी आपको दुख, तकलीफ़ या परेशानी आपके लाइफ में चल रही है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है आपके पितृदोष से। बहुत ही इजी रेमेडीज़ करके हम इसे बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, लग रहा होगा कि हाँ हमें पितृदोष है। तो बहुत इजी से उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये नहीं जानते कि क्यों हमें कौवे को खाना खिलाना चाहिए, क्यों हमें कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, चींटियों को, गाय को और ब्राह्मण्स को क्यों खाना खिलाना चाहिए, तो मैं आपको कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौवे को क्यों खाना खिलाना चाहिए।
कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं वो रूप लेके आते हैं कौवे का, एक मान्यता ये है, और वो खाने के लिए पानी के लिए आपके आपकी तरफ आते हैं और वो आपसे मांगते हैं, आपसे चाहते हैं। तो अगर आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को खाना खिला रहे हैं। दूसरी मान्यता ये है कि जो कौवे होते हैं वो मैसेंजर होते हैं हमारे पितरों के, वो कोई ना कोई हमें मैसेज देते हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हमारे लिए लेके आते हैं। जो आप परमात्मा से बार बार मांग रहे हैं तो आपके लिए वो मैसेज लेके आते हैं कि तथास्तु, ओके, आपकी ये जो प्रेयर है वो उसके लिए मैंने अर्जी लगा दी है, या मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं ये अर्जी लेके ऊपर जाऊँगा और आपके पितरों को बताऊँगा। तो दिस इज़ हाउ दे आर कॉल्ड एज अ मैसेंजर बिटवीन यू एंड योर एंसेस्टर्स। तो आपको उन्हें ज़रूर और ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। साथ में उन्हें एयर एलिमेंट कहा जाता है, जैसे हम पांच तत्वों से बने हुए होते हैं तो एयर उसमें से एक एयर भी है, तो कौवे को एयर एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका फायर। अब फायर एलिमेंट जो है वो चींटियाँ जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अगर आप उन्हें गुड़ खिलाते हैं या कुछ मीठा खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप फायर एलिमेंट उन्हें जब खाना खिला रहे हैं तो जो भी आपके पितृ खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपको उन्हें भी खाना खिलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉग्स की। कहा जाता है कि वो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं हेल के भी और हेवन के भी, तो जब आप उन्हें खाना खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एंसेस्टर्स तक वो पहुंचा रहे हैं। और उनका एलिमेंट माना जाता है वाटर, तो उनके थ्रू वाटर एलिमेंट की संतुष्टि जो है वो आपके एंसेस्टर्स को हो जाती है। एयर कवर कर लिया हमने, हमने फायर कवर कर लिया, वाटर कवर कर लिया, अब हुआ अर्थ, जहाँ पे आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स के लाइनेज हैं आप, तो आप ऑलरेडी यहीं पे हैं। तो अर्थ एलिमेंट से जो रिलेटेड हैं वो है हमारी काऊ। अगर आप उन्हें खाना खिलाते हैं, काऊ को खाना खिलाते हैं, इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस, और आप थैंक्स करते हैं इस धरती माँ को, आप थैंक्स करते हैं इस प्लैनेट को, और उनके बिहाफ में, एंसेस्टर्स के बिहाफ में भी आप थैंक्स करते हैं कि जो भी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स भी इन्हीं अर्थ के अंदर ही बरी हुए हैं या फिर यहीं पर आपने उन्हें जलाया है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें अर्थ को भी बहुत ध्यान देना है, इस एलिमेंट पे भी बहुत ध्यान देना है, इसलिए हम काऊ को भी खाना खिलाते हैं। कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं हो सकती बिना ब्राह्मिन्स को दान दिए, तो अगर आप ब्राह्मिन को खाना नहीं खिलाते हैं तो ये जो हमारे पांच तत्व है, जो पांचवा तत्व है स्पेस, वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपको दान भी देना है, मनी का दान देना है, और उन्हें खाना भी खिलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ऑस्पिशियस होता है और आपका श्राद्ध का जो रिचुअल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये पितृदोष आखिर लगता क्यों है, अगर आप मुझसे ये पूछें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि पितृदोष आखिर लगता क्यों है, अगर कुंडली में नहीं है, अगर हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है, फिर भी हमें पितृदोष क्यों लग जाता है। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये है कि जो चीज़ किसी और की है उस पर आपने हक जमा लिया, उसे आपने हत्या लिया, किसी के लिए आपने गलत बोलना शुरू किया, र्यूमर्स आपने फैलाना शुरू किया, उनका नाम खराब हो और हमारा नाम ऊंचा हो जाए। नेक्स्ट, आप अगर किसी का भी दिल दुखाते हैं, किसी को भी तकलीफ देते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो वहाँ से भी आपको पितृदोष हो जाता है। घर में अगर किसी आपके एंसेस्टर्स ने कोई मूर्ति रखी है या फिर कुछ ऐसा ऐसी आइडल की वो पूजा करते थे जो कि पूर्वजों से चलता आ रहा है, आपने उसे हटा दिया, तो आपको पितृदोष लग जाता है और उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। बार बार आप अगर बात कर रहे हैं किसी बैड कर्मास के बारे में, या आप किसी के साथ किसी को गाली दे के बात करते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ों में भी आपको पितृदोष लग जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है ये सारी चीज़ों से, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। कई लोग नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, उनके यहाँ पे परंपरा है भाई वो खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पितृदोष का रीज़न है। तो इसके लिए सिंपल रेमेडीज़ आप करके इससे आप बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये पांच चीज़ें जो पांच दान आपको करना है, कहा जाता है 15 डेज़ के अंदर आपको रोज़ दान करना चाहिए, मीन्स खाना ज़रूर खिलाना चाहिए।
अब ये पॉसिबल तो है नहीं। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि आप जाइए और राशन दान करिए, 15 दिन तक आपको कोई ना कोई राशन किसी ना किसी को देना है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हैं उसकी जगह? आपको अगर अपने पितरों को खाना 15 दिन तक पहुंचाना है और वो सारी ब्लेसिंग्स उनसे लेनी है, इन 15 डेज़ के अंदर वो पूरे वक्त आप लोगों के साथ हैं, तो अपने सारे पितरों का अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो 15 डेज़ पूरा वर्क करें। कैसे वर्क करें? जो सुबह सबसे पहले उठता है, कोई भी वाटर, अगर आपके पास कोई होली वाटर है, गंगा जल है, नर्मदा जल है, जो भी रिवर का अगर आपके पास कोई जल है, उसको लेके आप अपने मेन गेट में आपको छिड़कना है। अगर आपके पास नहीं है होली वाटर, आप नॉर्मल टैप वाटर लीजिए, आप मॉर्निंग में उसे छिड़केंगे कि ये मैं पितरों को तर्पण दे रही हूँ या फिर ये मैं पितरों के लिए डाल रही हूँ। रोज़ शाम को आपको बाहर अपने गेट के बाहर आपको दिया लगाना है, साउथ डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप दिया लगा सकते हैं तो वहाँ आप दिया ज़रूर लगाएं और पितरों का आशीर्वाद मांगें कि हमारे ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं। आप पितरों से बात कर सकते हैं, उनसे आप मांग सकते हैं, वो आपकी जो भी विशेज हैं वो आपके लिए ऊपर वो ज़रूर लेके जाएंगे। उसमें आप 2 लौंग डाल दीजिए, थोड़े से कपूर डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको रोज़ जो करना चाहिए तो ये करना चाहिए 15 डेज़ के अंदर, जहाँ पे भी आप पानी का, चाहे आप घड़ा रखते हैं या आपके पास आरओ है, तो वहाँ पे आपको रखना है एक दिया। हर रोज़ आप इवनिंग में दिया ज़रूर जलाइए, देसी घी का दिया आप जला सकते हैं, देसी घी का आप वहाँ पे क्लीन कर लीजिएगा वो एरिया, और वहाँ पे आप रोज़ ही आपको दिया जलाना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको ज़रूर गीता का पाठ कराना चाहिए, कोई भी शुभ जो पाठ होता है वो आपको ज़रूर कराना चाहिए, जो आपको लगता है, रामायण हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, ये सब आप, अमृतवाणी हो गया, ये सब आप करवा सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ये बहुत अच्छा रहेगा। और पितरों के नाम से करवाइए कि मेरे सारे एंसेस्टर्स के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हो सके तो आपके घर में जो मेड है या आपके घर में जो भी स्वीपर्स आते हैं, उनको कुछ ना कुछ आप देते रहिए, कभी छोटा बिस्किट का पैकेट दे दिया, कभी एक दाल का पैकेट या राइस दे दिया, कभी आपने आटा दे दिया, अगर जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि जब वो आपसे ले रहे हैं तो एक्चुअली आप उन्हें दे के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ले के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आप इंटरवल्स में, कुछ इंटरवल्स में, जैसे हफ्ते में एक बार कर दिया या 2 बार कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। पानी जितना हो सके पानी पिलाइए, पौधों पे पानी देना, बर्ड्स को पानी देना, एनिमल्स के लिए पानी रखना, इंसानों के लिए, लोगों के लिए, जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, रिक्शे वाले हैं, इन सब के लिए ठंडा पानी, अगर आपके वहाँ पे गर्मी है तो ठंडा पानी देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आप कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने एंसेस्टर्स को प्रे करना है, पूजा करनी है उनकी, और उनसे ब्लेसिंग्स लेना है, उन्हें महसूस होना चाहिए कि ये 15 डेज़ आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो आप ये छोटे छोटे से रिचुअल्स, दिया जलाना पानी के बर्तन के आगे, बाहर आपका दिया जलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए, आपको कंडे होते हैं ना गाय के, जो काउज डंग होता है, वो आप लेके आएं। आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में काऊ का डंग रखें, उसके ऊपर थोड़ी सी भीमसेनी कपूर रखें, थोड़ी सी आप चीनी रखें और उसे जलाएं, और अपने पूरे घर में आपको उसको धुआं देना है, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें चीनी भी डाल दी, थोड़ी सी देसी घी भी ज़रूर उसके अंदर आपको डालना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं कि चीनी डाल के आप इस तरह से धूप जला रहे हैं, अपने घर में धुआं कर रहे हैं इस चीज़ का, आप पाएंगे कि आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप मुझसे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये सारी चीज़ें करी तो आपको कितने चेंजेस लगे, एक अलग सा पीस, एक अलग सी हैप्पीनेस, एक अलग सी खुशी आपकी फैमिली के अंदर आप ज़रूर देख पाएंगे इस 15 दिनों के अंदर ही। और आपके हर रुके काम धीरे 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 करके खुलते जाएंगे, ये भी आप ज़रूर इस चीज़ को विटनेस करेंगे, मुझसे आके ज़रूर शेयर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन्स अच्छे लगे हैं
और आपकी ज़रा भी काम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम ज़रूर आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।